नमस्कार फ्रेंड्स मेरा नाम रूपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल का यूट्यूब चैनल में दोस्तों यदि आप ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए ई मेल आई का पासवर्ड पता करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को बिहार टेक्निकल का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इस तरह का और भी हेल्प को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक घंटे को शुद्ध ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन से सेटिंग को ओपन कर लेना है सेटिंग ओपन हो जाने के बाद में आपको स्कॉप डाउन करके नीचे आ जाना है और नीचे आना है दोस्तों यहाँ पे आना है जहाँ पे लिखा हुआ है गूगल आपको सिंपली गूगल पे ही क्लिक करना है दोस्तों यदि आपके फ़ोन में पहले से ईमेल आईडी लॉगिन होगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों यदि आप किसी दूसरा ईमेल आईडी का पासवर्ड आप पता करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और आपको नीचे मिलेगा ऐड अनदर अकाउंट आपको इस पर क्लिक करना है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको अपना पैटर्न लॉक या पिन लॉक को वेरीफाई करना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों यदि आपके फोन में पहले से ईमेल आईडी ऐड नहीं होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे आपको उस ई मेल को डालना है जिसका आप पासवर्ड पता करना चाहते हैं इसको तो आपको नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है इसका तो आपके सामने कुछ इस तरह का पैसा आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपसे पासवर्ड डालने को बोलेगा तो आपको तो पासवर्ड पता नहीं है पासवर्ड आप भूल गए इसके लिए आपको नीचे ऑप्शन आप मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पे ही क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह के पैसा आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट पासवर्ड मांगा तो यदि आपको लास्ट पासवर्ड भी पता नहीं है तो आपको इस पर क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई अनदर वे इसका तो आपके सामने कुछ इस तरह के का जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों जो आपने रिकवरिड जी मेल आई डी एड किए होंगे उस पर एक ओ टी पी जाता है या कोड जाता है उस कोड को यहाँ पे आपको डालना पड़ता है यदि आपको रिकवरी जी मेल आई डी भी पता नहीं है तो आपको नीचे इस पर क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई अनदर वे तो आपके सामने कुछ इस तरह के पैसा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों आप जिस मोबाइल नंबर पर इस जी मेल को बनाए होंगे उस मोबाइल नंबर का आखिरी का यहाँ पर आपको दो नंबर दिखेगा और उस मोबाइल नंबर पर एक ओ जाएगा तो फ्रेंड्स यदि आप ओ को टेक्स्ट मैसेज में, में मांगना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है जहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है यदि आप ओ को कॉल के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं तो अब वो कॉल पर क्लिक करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ इसका तो आपके सामने कुछ इस तरह के आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओ जाएगा और यहाँ पर आपको ओ को डालना है ओ को डाल देने के बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है इसको तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ चुका है तो फ्रेंड्स आप अपना जी मेल के लिए जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं उस पासवर्ड को यहाँ पे डालना है सबसे ऊपर इसके नीचे उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड में दोबारा से डाल देना है पासवर्ड को डाल देने के बाद में यहाँ पर आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है ये सब इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और आपने यहाँ पे जो नया पासवर्ड बनाएंगे वही आपका पासवर्ड रहेगा तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपना जी मेल आई डी को पासवर्ड को पता कर सकते हैं या कहे तो चेंज कर सकते हैं आप सभी वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कॉमेंट में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव हैवे नाइस डे